नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के टॉप लार्जेस्ट, यूनिक, बिजिएस्ट, ओल्डेस्ट और ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन के बारे में देखेंगे। इसमें हम भारत के टॉप 5 रेलवे स्टेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, साथ में भारत के यूनिक और इंटरेस्टिंग रेलवे स्टेशन को भी देखेंगे, जिसको जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। भारत का रेलवे नेटवर्क पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और साथ में पूरी दुनिया का लार्जेस्ट पैसेंजर रेलवे नेटवर्क भी है, जिसमें हर दिन 23 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से ही होता है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म वो प्लेस होती है जहाँ से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते हैं, और ट्रैक्स वो प्लेस होती है जहाँ ट्रेन आती और जाती है। इसके साथ साथ हर एक रेलवे स्टेशन का एक यूनिक शॉर्ट कोड भी होता है, जो कि कैपिटल लेटर्स में होता है। कुन रेलवे स्टेशन, ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है। ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो 2258 मीटर 7407 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि पूरी दुनिया का 14th नंबर का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन और इसके आसपास हिमालय के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, जो टूरिस्ट और फोटोग्राफर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस स्टेशन पर एक म्यूजियम भी है, जो कि इसको बहुत ही यूनिक रेलवे स्टेशन बनाता है, जिसमें रेलवे स्टेशन से जुड़ी आर्टिफैक्ट मीन्स कलाकृतियाँ और रेलवे की हिस्ट्री है। साथ में इसमें वर्चुअल लूप भी शामिल है, जिसका सबसे सुंदर नजारा है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, ये भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है, जो कि मुंबई में प्रेजेंट है। ये पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था 1887 में, और 1996 में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज रख दिया गया। इसका शॉर्ट कोड है CSTM, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्स हैं 40 और 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। CSTM रेलवे स्टेशन सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसको बनाने में 10 साल लग गए थे, जो कि 2.85 हेक्टर्स के एरिया में फैला हुआ है। शिवाजी रेलवे स्टेशन की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जो इसे भारत का यूनिक रेलवे स्टेशन बनाती है, कि ये रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हावड़ा रेलवे स्टेशन, जिसको हावड़ा जंक्शन भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल की हावड़ा सिटी में है, ये भारत का लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, और तो और ये दुनिया के लार्जेस्ट और बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन्स में भी आता है। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म के नंबर में, जो कि 23 है। इस रेलवे स्टेशन का शॉर्ट कोड है HWH। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जो 170 साल पहले चालू हुआ था 1854 में। इस रेलवे स्टेशन से हर दिन 600 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन गुजरती हैं, और हर दिन 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। इस रेलवे स्टेशन की एक अमेजिंग बात ये भी है कि इसके अंदर एक रोड भी है, जो इसको दो भाग में डिवाइड करता है, जिससे कि पैसेंजर्स को अपने सामान को लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होती। वो अपने व्हीकल्स को अंदर तक ले जा सकते हैं इस रेलवे स्टेशन के। क्या आप जानते हो, हावड़ा रेलवे स्टेशन से भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन चालू हुई थी धनबाद तक 2011 में, और फेरी क्यूम, ये दुनिया की सबसे पुरानी चालू वाप इंजन वाली ट्रेन है, जो कि सबसे पहले हावड़ा स्टेशन से ही चालू हुई थी। भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जो कि बाय द पीपल फॉर द पीपल है। इसका मतलब है, जनता द्वारा जनता के लिए ये रेलवे स्टेशन चलाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नसीरपुर खोरी रेलवे स्टेशन, राजस्थान के
गांव रसीपुर खोरी का रेलवे स्टेशन है, जो पूरी तरह वहां के लोगों द्वारा चलाया जाता है बिना किसी रेलवे एम्प्लॉय और ऑफिसर के। ये भारत का सबसे यूनिक रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत पुराना है। इसको ब्रिटिश ने बनवाया था 1923 में, पर इस स्टेशन से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आती थी और इसको मेंटेन करने में ज्यादा खर्चा आता था, इसीलिए 2005 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको बंद करने का। लेकिन ये रेलवे लाइन वहाँ के गांव के लोगों के लिए जीवन रेखा थी, सब कुछ इस पर ही निर्भर था, इसीलिए गांव के लोगों ने डिसाइड किया इसको चलाने का। और 2009 में गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के बीच एक मेमोरेंडम हुआ, तब से वहाँ के लोग ही इस रेलवे स्टेशन को चलाते हैं। ये रेलवे स्टेशन ऐसा बन गया है कि टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। ये रेलवे स्टेशन गांव वाले के लिए गर्व और प्रेरणा बन गया है, जो कि उनकी एकता और ताकत का प्रतीक है। इसे सरकार, समाज जैसे सभी क्षेत्रों में मान्यता और सराहना मिली है। चलिए ऐसे ही भारत का एक और यूनिक रेलवे स्टेशन के बारे में देखते हैं, जिसका आधा भाग गुजरात और आधा भाग महाराष्ट्र में है। रेलवे स्टेशन बहुत ही यूनिक रेलवे स्टेशन में से एक है। ये गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट की बॉर्डर पर है, नवापुर में, जिसका एक कोना गुजरात और दूसरा कोना महाराष्ट्र में है। ये सब तो कॉमन बातें हैं कि इसके तीन प्लेटफॉर्म हैं, पैसेंजर, मेमो, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, सारी ट्रेन चलती हैं यहाँ पर। इस स्टेशन की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट होती है वो चार भाषाओं में होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती, जो कि इस रेलवे स्टेशन को यूनिक रेलवे स्टेशन बनाती है। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां पर जाने के लिए वीजा लगता है। इसका नाम है अटरी रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के अमृतसर में है। ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना हुआ है। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही सेंसिटिव एरिया में आता है, इसीलिए वहाँ पर जाने के लिए पैसेंजर का कोई वैलिड वीजा या फिर पासपोर्ट लगता है। ये भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है अमृतसर लाहौर लाइन पर। क्या आप जानते हो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है, यानी ये 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इस रेलवे स्टेशन का पूरा नाम सिद्ध रोड स्वामी जी हुबली स्टेशन है। 12 जनवरी 2023 को इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वेरीफाई किया था। क्या आप जानते हो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रेजेंट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी है। कैसी लगी आपको रेलवे स्टेशन की जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भारत की टॉप 5 ट्रेन्स के बारे में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें हमने भारत की टॉप 5 फास्टेस्ट, यूनिक और लग्जरी ट्रेन्स के बारे में बताया है, जिनके बारे में जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।